हम लोगों ने भद्रोली की मलिन बस्तियाँ, नगरिया की मलिन बस्तियाँ, इन सब में स्वच्छता का जो एक हफ्ते का प्रोग्राम था वो पूरा प्रोग्राम किया हम लोगों ने। जो समाज के लोग हैं, क्योंकि NSS का मतलब ही ये होता है कि समाज के लोगों को जागरूक करना, हमारे जितने भी वॉलेंट थे उन लोगों ने जो समाज में जो मलिन बस्तियाँ थी उनमें सफाई अभियान चलाया है और सबको स्वच्छता के बारे में, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में सबसे ज़्यादा सफाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो सब लोगों ने जितने भी हमारे वॉलेंट थे सब लोगों ने जो वहाँ मलिन बस्ती के जो लोग थे उन लोगों को जागरूक किया। इसी जागरूक के प्रोग्राम में आज समापन प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने टीकाकरण अभियान चलाया, सब लोगों का टीकाकरण किया है, जितने भी लोग यहाँ पे नगरिया के भदोली के जो लोग हैं नगरवासी हैं उन लोगों को टीकाकरण करवाया। अच्छा, इसके सारे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे ये कि हम आसपास जो भी उसमें समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कोरोना के हमें टीकाकरण करवाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। हमें अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, समाज में नई दिशा देनी है, तो हमें सबसे ज़्यादा इसका जो स्वच्छता है स्वच्छता का काम है, और हमें समाज के लिए NSS का जो सीनार्थी है कि हमें समाज के लिए करना है, हमें जो हमारे वॉलेंट हैं उन लोगों को देश की भावना को जागरूक करना है। नाम अंजलि है, मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। अंजलि ये बताइए, सातवीं तक आई थी इसी NSS का दिन, आपने क्या सीखा? हमने NSS में इसमें हमने सुरक्षा अभियान किया और हमने देश को जागरूक बनाने की इसमें कोशिश की है, लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है इसमें, और कुछ नाटक नक्कड़ के माध्यम से हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने पर्यावरण सुरक्षा भी की, अपने स्कूल में भी पर्यावरण सुरक्षा की, बाहर भी हमने पर्यावरण सुरक्षा की, और हम कुछ नुक्कड़ नाटक करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां अपने स्तर पर आगे पहुंच सकें, और जिस प्रकार लड़के आगे पहुंच रहे हैं सभी लड़कियों को भी आगे पहुंचाने की कोशिश करें। अन्नू जो सात दिन का स्पेशल था, सात ही दिवसीय NSS प्रोग्राम का, हर्ष क्या सीखा? मैंने मेरे प्यारे वतन गाने के साथ आ रही है अन्नू, समझाना चाहिए उनकी भी जिंदगी है, उन्हें आगे तो बढ़ाना चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है NSS कैंप से कि जो बच्चियाँ हैं, जो बाहर के लोग इतने नहीं पता क्या होता है राष्ट्रीय योजना, तो उन्हें बताओ। शांत हो जाइए सभी, सिर्फ 5 मिनट और। Thank you.
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।